हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आधा काम मेरा फिनिश हो गया है और आधा भी मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ फिलहाल तैयारी ब्रेकफास्ट की। मैंने नहा भी लिया है, मेरी पूजा भी हो गई है, तो बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मेरे चावल कुछ बचे हुए थे तो मैं आज तो उनके लिए मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है। तो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर काटे हैं और प्याज काटी है। प्याज को ऐसे मैंने मोटा मोटा काटा है। इधर हरी मिर्च, धनिया पत्ती। ओ तो चलिए करते हैं तैयारी। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं गैस ऑन। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और ये मस्टर्ड ऑयल। मैं खाने में हम लोग खाने में मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड वगैरह कुछ नहीं। तो जैसे कि बचे हुए होते तो मैं उनको ऐसे ही कर लेती हूँ, या तो उनका ऐसे फ्राई कर लेती हूँ उनको, या फिर जो उनका डोसा वगैरह चीला वगैरह कुछ बचे चावल वगैरह फिर चीला वगैरह बना लेते हैं, तो ऐसे उनको यूज कर लेती हूँ। तो आज तो मैं ऐसे छोंक दूंगी इनको, यानी कि एक सिंपल सा पुलाव बन जाएगा ये। तो मैं डाल दूंगी अब इसमें जीरा। अब डाल दूंगी यहाँ पर प्याज। हल्की हल्की प्याज भून चुकी है तो अब डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर और अब डाल दूंगी ये हरी मिर्च। धनिया पाउडर और जरा सी लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इनको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी जिससे कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब डाल देंगे हम इसमें चावल। अब करेंगे इनको अच्छे से मिक्स। तो अब डाल देंगे हम इसमें नींबू, जो कि इसके टेस्ट को एकदम दुगना बढ़ा देगा। तो अब कर दूंगी मैं इस सबको अच्छे से मिक्स। तो अब डाल देंगे यहां पर धनिया पत्ता और
मिक्स कर देंगे। गैस को कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर गुलाब बन का बिल्कुल तैयार है। अब मैं सबके लिए प्लेट लगा लेती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि फिर सुबह उस दिन के बाद मैं वीडियो नहीं बनाया था, फिर मैंने दूसरे दिन बनाई थी। क्योंकि वही होता है कि काम में लग जाते तो पहले रहता है, पहले इस काम को कर लूँ फिर बनाऊँगी, तो बस ऐसे ही रह जाता। और यहाँ पर दीदी नहाने जा रही हैं, तो मैंने टप लिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि टप तूने लिया है तो मुझे बाल्टी दे दे, मैं बाल्टी से ही नहा लूँगी। क्योंकि वो तो मैं पाइप चलाकर धो रही थी, तो उसमें चौड़े उसमें अच्छे से धो जाते हैं कपड़े, तो टप काफ़ी चौड़ा था, तो इस वजह से मैंने टप लिया था। तो यहाँ पर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कब लाइट आ जाती है कब नहीं आती, तो बस ये तो जब आती है तभी कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो लिए हैं, अब मैं इन सबको डाल दूँगी ड्रायर में। तो यहाँ पर फिर विवान भी खेलता फिर रहा है, इसको भी यही रहता है कि मम्मा मेरे साथ खेल लो। यहाँ पर बॉल फेंक रहा है मेरे पास कि मेरे साथ खेल लो, पर यही है, ये बच्चे कहाँ समझते हैं कि हमें इतना काम होता है कि बस टाइम नहीं निकाल पाते। गर्मियों में तो फिर भी हम टाइम निकाल लेते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए, पर सर्दी में तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर थोड़े से कपड़े और बचे हुए थे जो कि मैंने निकाल लिए हैं, मैं इनको भी पानी में से निकाल दूँगी। और एक ये रहता है कि जब लाइट आई होती है तो फिर पानी में भी साथ के साथ पाइप चला के थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, वो थोड़ा अच्छे से भी वॉश हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े अब सुखा दिए हैं, अब मैं इनको निकाल कर रख दूँगी और बाकी के जो हैं उनको भी डाल दूँगी। और फिर साथ के साथ मशीन भी धो दी मैंने, मशीन धोकर साफ़ कर दी है। और फिर बाद में यहाँ पर पानी भी मार दिया है कपड़े धोने के बाद में, क्योंकि वही रहता है कि सरफ का पानी भी पड़ जाए तो फिर सूखने के बाद वैसे वाइट वाइट हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता, और फिर थोड़ा गीला भी हो जाए तो उस पर स्लिप होने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स अभी सारे कपड़े धो दिए हैं और मशीन को भी साफ कर दिया है, और कुछ कपड़े थे मुझे भी छींके आ रही है जिससे कि नाक चलने लगी है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर धूप नहीं करे तो उसकी वजह से स्वेटर नहीं पहना जा रहा है। वरना अंदर जब मैं अंदर काम कर रही थी सुबह भी नहीं, दोपहर में ही अभी थोड़ी देर पहले तो अंदर तो स्वेटर डाला हुआ था, क्योंकि अंदर तो धूप नहीं है, बंद है सारा। तो अब सारे कपड़े धो दिए हैं, मैं इनको सुखाती हूँ, मशीन को भी धोकर साफ कर दिया है। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, और मैं इनको सुखाती हूँ। इसको भी लेके जाती, इसको लेके क्यों नहीं गई थी? विवान घूमने नहीं गया तो विवान कर रहा है अपनी शिकायत, मुझे भी लेके चलती, मुझे कूनी लेके गई थी। जल्दी बताओ नुकूनी लेके गई थी? अरे बाप रे, देखो विवान का गुस्सा, चेयर तोड़ रहा है गुस्से में। ओए होए हो। तो अब मैं पहनती हूँ मोजे, और दिन का पता नहीं, दिन ऐसे निकल जाता है कि जैसे दिन निकला ही ना हो। सारा दिन काम करते करते कब सुबह से दोपहर होती है और कब दोपहर से शाम होती है पता नहीं चलता। एक तो वो भी फर्क है, एक फर्क रहता है कि अब तो दिन थोड़ा छोटा होने लगा है,
उस चीज का भी रहता है। और मैं इसकी चुन्नी की तय कर दूं क्योंकि अंदर काम करती हूँ, तो मैं ऐसी चुन्निया तो ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि वही होता है कि अंदर तो सिर्फ दुपट्टा रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, पर बाहर तो ऐसे दुपट्टे कम रुकते हैं। तो मैं बाहर काम करने गई थी तो फिर मैंने एक कॉटन का दुपट्टा लिया है, तो इसकी रख दूंगी तय बनाकर। और अभी मैं करती हूँ वीडियो की एडिटिंग क्योंकि 2 बजने वाले हैं। रात में भी कर देती हूँ, पर जब लेट जाती हूँ ब्लैंकेट में तो उसके बाद बस ऐसा मन करता है कि बस अब सो जाओ, जल्दी नींद आ जाती है, तो इस वजह से पूरी नहीं कर पाती। आधी एडिटिंग मैंने रात की थी और आधी मैं अब करूंगी, सुबह से काम के चक्कर में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। तो अभी मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, फिर मुझे अपलोड भी करनी है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, अब तो फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, सुबह ये स्टोल भी ओढ़ना पड़ता है, पर इस टाइम तो नहीं, तो एडिटिंग करूंगी उसके बाद फिर चाय बनानी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में।